ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज का जो Q&A सेशन है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो सवाल आया हुआ है खुशबख्त की तरफ से कि वी हैव डिफरेंट मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन हैविंग सेम फंक्शंस, सो ऑन विच बेसिस देयर रिलीज इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंजरी और समथिंग एल्स। देखिए जी, जो मुझे जहाँ तक जो मेरा ख्याल है वो ऐसी कोई खास बात नहीं है कि जो है वो किसी खास वजह से, जैसे अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी हो तो मैंने कॉम्प्लीमेंट कैस्केड भेजा है आपको, तो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड में अगर आप देखें तो जो मीडिएटर तो बेसिकली हर हाल में रिलीज होना है। डिपेंड कर रहा है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है तो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहली मरतबा बॉडी में इंटर हुआ है और उसके बाद जो है क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट, वो सॉरी आपका कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एक्टिवेट हो रहा है, तो वो यूजुअली ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है जो एक्टिवेट हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो है वो आपके मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, लेकिन कुछ मीडिएटर्स ऐसे हैं जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके हो गए क्या कहते हैं आपको एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, वो हर सूरत में रिलीज होंगे। साइटोकाइंस हर सूरत में रिलीज होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइट या जो जो स्टेप ऑफ इन्फ्लेमेशन जहां पे उन्होंने अपना रोल प्ले करना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास रीजन है जिसकी वजह से मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। मीडिएटर्स ने रिलीज होना होता है, ठीक है, तो वो रिलीज हो जाते हैं। ये चीज नहीं है कि आपका कोई खास रीजन होगा तो मीडिएटर रिलीज होगा, अब मुझे नहीं लगता। अब इस हवाले से मुझे बुक में कभी इस तरह का कोई स्टेटमेंट मिला भी नहीं। आपने अभी कहीं पढ़ा है ऐसी कोई चीज, आपको मतलब नजर आई है क्या खुशबख्त जी, आपको ऐसी कोई चीज नजर आई है कि जो है कोई खास रीजन की वजह से कोई स्पेसिफिक मीडिएटर रिलीज हो रहा हो? कुछ नहीं पढ़ा मैम, एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि आपने हिस्टामिन और इन सब के कॉसेस एक्सप्लेन किए थे कि बेटा किस माइक के वजह से करीब रिलीज करके होता है। मुंह माइक के करीब मुंह करके बोलिए प्लीज, आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा बोले। मैं कह रही हूँ कि मैंने एज सच कोई रीजन नहीं पढ़ा था, लेकिन जो आपने एक्सप्लेन किए थे मीडिएटर्स, उनमें आपने हिस्टामिन का कॉज बताया था, तो उसका एक फिजिकल इंजरी आपने बताई थी, बाकियों का एज सच कोई एक्सप्लेन नहीं था रीजन, तो मैम इसीलिए कंफ्यूजन। नहीं, हिस्टामिन की भी कोई स्पेसिफिक नहीं है, जाहिर सी बात है ये बात क्लियर है कि हिस्टामिन जो है एलर्जिक रिएक्शंस में ज्यादा रिलीज होता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि हिस्टामिन बाकी और किसी कंडीशन में रिलीज नहीं होता, ठीक है। तो हिस्टामिन जो है वो मल्टीपल कॉजेस से रिलीज होता है, इन केस अगर कोई भी टिश्यू इंजरी हो रही है तो होता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली एलर्जिक रिएक्शंस में ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन कोई जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा है ऐसी कोई स्पेसिफिक, जैसे कुछ कुछ पाथवेज हो गए उनका एक्टिवेट होना ना एक्टिवेट होना वो एक अलहदा चीज है, लेकिन मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन में एक मीडिएटर रिलीज होगा दूसरा नहीं होगा ऐसा नहीं। अगर सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं वो किसी ना किसी सेल से या किसी ना किसी मैकेनिज्म के तहत एक्टिवेट हो रहे हैं तो वो लाजमी होंगे अंटिल अनलेस उनके अंदर किसी किस्म की कोई फंक्शनल एबनॉर्मैलिटी आ जाए। बात समझ में आई जी मैम? ठीक है। अच्छा जी, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि द फेट ऑफ इन्फ्लेमेशन रिपेयर हैज ओनली फंक्शनल रिवाइवल, बट इफ स्ट्रक्चर्स डज नॉट गेट बैक टू नॉर्मल शेप कैन दे परफॉर्म देयर फंक्शन सेम एज बिफोर? नहीं, थोड़ा बहुत देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो चीजें होती हैं। मैं एक मिनट ठहरे, एक पेज खोल लूं ताकि मैं साथ में आप लोगों के लिए लिखती भी जाऊं। मैं आपके साथ एक पेज शेयर कर रही हूं, ठीक है। प्लीज बेटा माइक बंद कर दो आप लोग, माइक बंद। हाँ जी, तो इसमें मैं ये कह रही हूँ कि बेसिकली होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो तरीके होते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन का फेट जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये जो फेट है बेसिकली या तो ये होगा कि जी रेजोल्यूशन होगा या फिर रिपेयर होगा, ठीक है, या फिर कंटिन्यूएशन हो जाएगी इनटू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन,
ठीक है जी, रेजोल्यूशन का मतलब है कंप्लीट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिवाइवल, ठीक है जी। बट रिपेयर का मतलब है स्लाइट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिवाइवल रिवाइवल डिपेंडिंग अपॉन सिवियरिटी ऑफ इंजरी। अच्छा, इसके अंदर देखो जो खुशबख्त बात ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि एक बंदा है जिसको सुई चुभी है, जाहिर सी बात है अगर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होगी भी तो जो फंक्शनल एबनॉर्मैलिटी है वो छोटी सी जगह पे, अगर उसके कंपैरिजन में उंगली कट जाती है तो आप खुद अंदाजा लगा सकती हो कि क्या हो सकता है। अगर उंगली जो है वो उस इंफ्लेमेशन के दौरान श्रिंक रह जाती है तो ऑब्वियसली उंगली बच तो गई है लेकिन श्रिंक हो गई है तो ऑब्वियसली फंक्शनल जो कैपेबिलिटीज हैं उनमें कमी तो आएगी, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इफेक्टिवनेस क्या है आपकी जो प्रोसेस की, वो ये है कि अगर आपका प्रोसेस इफेक्टिव है रिपेयर का तो वो करीब तरीन तो पहुंच जाएगा, फुल जो आपका जो है क्या कहना चाहिए जो रिवाइवल है वो नहीं पॉसिबल हो रहा होता, ना तो स्ट्रक्चरल ना फंक्शनल। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे सकती हूँ, मेरे अब्बा का एक मरतबा एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उनके जो जो हाथ को जो पूरा मुट्ठी बंद करने वाले जितने मसल्स थे वो कट गए थे, ठीक है जी। जब वो मसल्स पूरे कट गए तो हुआ ये कि उसकी वजह से मतलब वो मसल्स, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है तो वो पूरा जो है क्योंकि वो आर्म से शुरू हो रहे थे मसल्स और आके हैंड में इंसर्ट हो रहे थे तो वो मसल्स आर्म तक ऊपर चढ़ गए, ठीक है। तो डॉक्टर को सर्जरी करके ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो मसल्स को खींच के लाना पड़ा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ फाइबर्स जो है वो ब्रेक हो गए, तो जो ऑब्वियसली रिपेयर तो हो गया, मतलब मसल्स को उन्होंने जोड़ दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन डेफिशिएंसी क्या आई कि हाथ मौजूद था अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह काम सही करता था लेकिन मुट्ठी बंद नहीं होती थी, ठीक है जी। तो यानी मेरा मकसद कहने का ये है कि इन्फ्लेमेशन एक्सटेंट ऑफ इंजरी के ऊपर और रिपेयर उसी एक्सटेंट ऑफ इंजरी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपकी जो है वो रिपेयर मतलब आपकी इंजरी बहुत मैसिव है तो उसी के हिसाब से रिपेयर भी अपने जो है वो शॉर्टफॉल्स शो करेगी। एम आई क्लियर? जी मैम, जज़ाकअल्लाह। ओके जी, थैंक यू। उसके बाद फिर अभी जो मेरे पास जो फिर एक और सवाल है इन्फ्लेमेशन से ही रिलेटेड, वो पहले मैं ईमान एजाज का जो एक मैसेज था मेरे पास वो थोड़ा सा मुझे सर्च करना पड़ेगा, मैं वो अगर मुझे मिल जाता है तो वो पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैसेज, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, वो मैंने ढूंढ के रखा था लेकिन वो मुझसे मिसप्लेस हो गया, एक मिनट ठहरिएगा। उस मिल गया है मुझे, ये रहा। अभी मैं मैसेज रन कर रही हूँ, उसके बाद फिर इसको आंसर करेंगे, ठीक है। मैम क्वेश्चन ये कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमारे पास प्रोमिनेंट साइन एंड सिम्टम शो होते हैं, लेकिन जब हम इसके डिसऑर्डर्स पे आते हैं जैसे कि हम आए एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्टेंस सिंड्रोम में तो हमारे पास साइन एंड सिम्टम शो नहीं होते, तो इसके पीछे क्या रीजन है, हमें क्यों साइन एंड सिम्टम शो नहीं हो रहे? मैम क्वेश्चन। अच्छा, ये सवाल आप लोगों ने सुन लिया? जी मैम, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ ये है कि ये जो सवाल है ईमान आपका, इसको मैं एक स्क्रीन शेयर। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ऐसा है नहीं कि साइन सिम्टम्स शो नहीं हो रहे होते, डिपेंड कर रहा होता है कि डिजीज कितने इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जाके हो रही है, उसके हिसाब से ये डिपेंड कर रहा होता है। एक मिनट के लिए मैं ये मुझे एक सेकेंड दीजिएगा, मैं अभी आई। अच्छा, जो आपका सवाल है ना ईमान इजाज, इसको इस तरह से है कि इन्फ्लेमेशन के जो हमने कार्डिनल साइंस पढ़े थे पेलर और केलर वगैरह, ये सारी चीजें जो डॉलर और रूपर और ट्यूमर जो पढ़ा था, देखो अगर तो ये स्किन के ऊपर होगा या स्किन के नजदीक तरीन होगा तो सिम्टम्स बहुत ऑब्वियस होंगे, नो डाउट।
लेकिन जैसे जैसे आपके जो ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं तो सिस्टम के जो सिम्टम्स है वो मास्क होना शुरू हो जाते हैं। वजह उसकी ये कि एक तो ऑर्गन्स डीप है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि इनकी जो नर्व सप्लाईज होती हैं वो ऑर्गन्स को समझ लें, अगर स्किन को वन नंबर वन के हिसाब से मतलब अगर 100 नर्व सप्लाई कर रही हैं स्किन को, तो इंटरनल ऑर्गन को सिर्फ एक नर्व सप्लाई करेगी। कंपैरिजन समझने की कोशिश करें कि अगर स्किन को 100 नर्व सप्लाई करी है तो ऑर्गन को एक नर्व सप्लाई करी होगी। तो स्किन के ऊपर जो आपको रिस्पॉन्सेज आएंगे वो बहुत ज्यादा और एग्जैजरेटेड होंगे और फॉरन नजर आ जाएंगे, लेकिन उसके मुकाबले में जब आप इंटरनल ऑर्गन की तरफ जाते हैं तो वहां पे सिम्टम्स जो है होते हैं मौजूद, वो तमाम की तमाम जो कार्डिनल साइंस है वो मौजूद होते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा मास्क हो जाते हैं। तो वो जब तक कि बहुत सिवियर कंडीशन डेवलप नहीं हो जाती वो सिम्टम्स आने नजर नहीं आ रहे होते। ठीक है, जैसे आप जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की बात कर रही थी, उसके लिए मैंने एक पेज ढूंढ के निकाला था, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है उसके अंदर सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, बिल्कुल आ रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि वो उतने सिवेयर नहीं शो होंगे जितने के आमतौर पे होने चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है जिसके अंदर आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, वाइड स्प्रेड रैपिड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स होती है, सिम्टम्स इसके बिल्कुल मौजूद है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, रैपिड ब्रीदिंग है, ब्लूइश स्किन कलरेशन है बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, और इम्प्रूव डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसका एक्सरे भी आप देख सकते हैं। अब ये जो तमाम चीजें हैं इनमें ऑब्वियसली क्या हो रहा है, स्वेलिंग मौजूद है, स्वेलिंग मौजूद है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। ठीक है, जो बॉडी कैविटी है, जो लंग्स की जो कैविटी है उसमें भी पानी भरा हुआ है, और लंग्स के अंदर जो एल्वियोला है उनमें भी पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेमेशन का जो एक कार्डिनल साइन था स्वेलिंग, वो मौजूद है। ठीक है, फिर आपको उसकी वजह से, स्ट्रेच की वजह से पेन हो रहा है, आपको चेस्ट पेन हो रहा होता है। ठीक है जी, और वो रैपिड ब्रीदिंग बता रही होती है वो पेन, क्योंकि आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब वो पेन की कहानी भी हो रही है। ठीक है, रेडनेस ऑब्वियसली ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, लेकिन चूंकि इंटरनल ऑर्गन में बढ़ा हुआ होता है इसलिए रेडनेस नजर नहीं आती। बात समझने की कोशिश करें। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वो ऑब्वियसली, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा है तो बंदे को बुखार आ जाएगा, लेकिन लंग्स गर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे ऑब्वियसली वो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि अगेन इंटरनल ऑर्गन है और बहुत सारी चीजें उसमें के अंदर कवर अप हुआ है। फंक्शनलिज्म क्या है, पांचवी चीज ये है कि अगर आपको बहुत शदीद किस्म की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, आपका कोई भी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो आप बताओ सिम्टम कहाँ नहीं आया, सारे सिम्टम्स तो मौजूद है। ईमान, बात समझ में आई बेटा? जी मैम, आ गई है। ठीक है, सिम्टम्स मौजूद होते हैं लेकिन चूंकि इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं इस वजह से क्लियरली समझ नहीं आ रहे होते, बस इतना फर्क है। क्लियर है ये बात? अब आपको जो है वो मैं एक और क्वेश्चन है वो लेती हूँ। बिस्मा सिद्दीकी कह रही हैं कि सेल मीडिएटर बाइंड्स एट स्पेसिफिक रिसेप्टर्स एज प्लाज्मा मीडिएटेड आर द सेम है, क्या मतलब ये, जरा बिस्मा सिद्दीकी आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी सवाल अपना? मैम जैसे ये सेल मीडिएटर्स होते हैं ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं, तो प्लाज्मा मीडिएटर्स भी स्पेसिफिकली बाइंड करेंगे? देखो, अगर आपने कल की वीडियो देखी होती ना तो आप ये सवाल ना पूछती। कल स्पेसिफिकली जो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कल जो वीडियो मैंने अपलोड की, अगर आपने वो देखी हो, तो उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली जो प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसकी मैंने बात की। ठीक है, उसमें से जो एनाफाइलोटॉक्सिन्स निकल रहे हैं वो भी अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट जो मैक बन रहा है यानी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो भी जाके मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका जो अपना स्पेसिफिक एरिया है जो कि उसका टारगेट एरिया है वहां से जाके बाइंड करता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब तक किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ मीडिएटर बाइंड नहीं करेगा वो अपना जो डिजायर्ड एक्शन है वो प्रोड्यूस कैसे करेगा? क्लियर है ये बात? जी मैम क्लियर है, मैंने कल का लेक्चर नहीं लिया। ठीक, वो मुझे अंदाजा हो गया था, आपके सवाल से अंदाजा हो गया था, लेकिन प्लीज वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, आपको चीजों की आसानी हो जाएगी, समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है जी मैम। अच्छा, दूसरा जो आपका सवाल है, इन ल्यूकोट्राइन्स
एक्सप्लेन दिस फ्रॉम बुक है, क्या मतलब LTB4 है बेटा, वैसे इज अ पोटेंट कीमोटैक्टिक एजेंट एंड एक्टिवेटर ऑफ न्यूट्रोफिल्स कॉजिंग एग्रीगेशन एंड एडिशन ऑफ द सेल टू द वेन्युलर एंडोथेलियम जनरेशन ऑफ रॉस एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स. तो इसमें सवाल क्या है बेटा? समझ नहीं आ रहा था, बुक में लिखा हुआ है बेटा. बुक में तो लिखा है, आपने अगेन लेक्चर नहीं लिया इसका, मीडिएटर्स वाला. चले मैम फिर मैं ले लूंगी. पहले आप लेक्चर ले लो, देखा नहीं कर ले. हाँ, कल का और परसों दोनों जो लेक्चर्स मैंने दो दिन जो लगातार अपलोड किए हैं वो मीडिएटर्स के लेक्चर्स अपलोड किए. आप अगर वो क्वेश्चन देख लोगी तो आपको मतलब आपकी या जो पूरा जो क्वेश्चन है ना वो पूरा तफसील से पूरी वीडियो में एक्सप्लेन हुआ है. समझ में आ मैम? ठीक है, अच्छा चलो ठीक है. अब इसके बाद जो ईमान एजाज जो है वो एक और सवाल पूछ रही है कि व्हाई ब्रेन टिश्यू लिक्विफाइज, व्हाई नॉट कोगुलेट. इस कोगुलेशन नहीं, ब्रेन के अंदर कोगुलेशन बेटा नहीं हो रही होती है. उसकी वजह ये है कि जो ब्रेन का जो टिश्यू है पीछे रीजन एज सच कोई खास बुक में भी एक्सप्लेन नहीं हुआ हुआ कि लिक्विफाई क्यों होता है और कोगुलेट क्यों नहीं होता है. लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि सेम टिश्यू है, से फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट का टिश्यू है और ब्रेन का टिश्यू है, ठीक है. हार्ट का टिश्यू कोगुलेट करेगा और ब्रेन का टिश्यू जो है वो लिक्विफाई करेगा. जो 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 मोस्ट कॉमन रीजन समझ में आता है पीछे का वो सिर्फ ये है कि जो ब्रेन टिश्यू है उसके अंदर मसल्स नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है. जो सेल्स हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं और डिजोल्व होने के नतीजे में क्योंकि जो सब कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर भी जो आपका जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्रेन का, ठीक है जी, तो वो कनेक्टिव टिश्यू में जो वाटर कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है. तो सेल जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसी जो लिक्विफाइड जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, तो इस वजह से ब्रेन टिश्यू जो है वो लिक्विफाई करता है. जबकि जो मसल्स होते हैं उनमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं और वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होते हैं, तो उसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के चिपक जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कोगुलेशन होती है टिश्यू डेथ के नतीजे में. जबकि ब्रेन के अंदर अगेन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, लेकिन आपको पता है लूज कनेक्टिव टिश्यू के जो प्रोटीन कंटेंट है और जो मसल्स के अंदर और खुसूसियत से कार्डियक मसल्स के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है. और मोस्ट प्रोबेबली जो कोगुलेशन की जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटीन्स की है, वो लिक्विफाई नहीं कर रहे होते, किसी भी सूरत से लिक्विफाई नहीं कर रहे होते. तो जहां तक जो मुझे समझ में आया है बेसिकली वो यही है कि ब्रेन टिश्यू इसी वजह से लिक्विफाई करता है कि उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है, एक तो नाजुक वाले जो मतलब देखो आपके पास हमारी बॉडी में कोई 25-30 वैरायटीज हैं प्रोटीन्स की, ठीक है. तो कुछ बहुत ही पतले हैं जो कि एकदम से डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ हैं जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहे होते, बहुत हार्ड प्रोटीन्स होते हैं. तो वो डिपेंड करता है, वो जहां जहां जितनी ज्यादा प्रेशर की या जितनी ज्यादा ताकत की जरूरत होती है उसी हिसाब से वहां पे वो प्रोटीन्स की प्रेजेंस होती है. तो आपको मालूम है कि हमारे जो मसल्स होते हैं कार्डियक भी और स्केलेटल भी सबसे ज्यादा ताकत वहीं लगती है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट भी वहीं होता है. तो इस तरह का जो टिश्यू जब डेड होगा तो वो कोगुलेट करेगा. और जहां और एक और चीज जो जो हमें जो थोड़ा सा पढ़ा था तो उसमें आया था कि जितने सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं वो यूजुअली कोगुलेट करते हैं, लेकिन जो सॉलिड ऑर्गन्स नहीं होते हैं जैसा ब्रेन जो है वो क्लासिफाई नहीं होता सॉलिड ऑर्गन में, तो ऑब्वियसली उसकी वजह वो भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जो है वहां पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होती. बिल्कुल इसी तरह जैसे कि लिवर के अंदर भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होती, वहां पे पस बन जाता है, एब्सिस बन जाता है, किसी भी किस्म की जो इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके बाद एब्सिस बनता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होती. आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड ईमान. समझ आ गया बेटा? ऑलराइट. सिद्रा अहमद का सवाल है कि न्यूट्रोफिल्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप बता दें, क्या मतलब ये क्या? अच्छा गॉट इट. ये सवाल जो था एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप वाला जो सवाल था ये उसकी बात कर रही हो ना सिद्रा? जी बताती हूँ. देखो जो ये बल्कि मैं एक काम करती हूँ ना, बुक से बताती हूँ आपको. ये चीज मैंने बुक में देखी थी. ये बुक खोल ली है मैंने, इसके अंदर एक मिनट मैं जरा टॉपिक पे आ जाऊं फिर मैं आपको बताती हूँ.
उसके बाद है। ये रहा, ये देखिए भाई यहाँ पे न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप मौजूद है ये टॉपिक, ये देखिए ये रहा। इसमें इनका कहना ये है, कहाँ गया भाई, ये इसके अंदर ये कहते ये हैं कि क्या हो रहा होता है कि आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो जैसे हमने बात की थी ऑक्सीडेटिव बर्स्ट होता है, तो उस ऑक्सीडेटिव बर्स्ट के नतीजे में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है। ठीक है, अब ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं, तो जो एक जो मेन प्रॉपर्टी है न्यूट्रोफिल्स की वो ये है कि जब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं, तो एक न्यूट्रोफिल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को मारने के बाद खुद भी किल हो जाता है। वजह उसकी क्या है कि वो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो उसके अंदर बनी भी होती हैं वो उसको भी किल कर देती हैं। यानी जो मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑर्गेनिज्म की स्किन की जो मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ता है वो ही स्ट्रेस न्यूट्रोफिल्स के ऊपर भी पड़ता है। अब न्यूट्रोफिल्स भी डैमेज होते हैं, या तो डैमेज होते हैं या थोड़े अगर मजबूत न्यूट्रोफिल्स होते हैं तो वो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है वो उससे जब ऑर्गन का जो डेड मटीरियल ऑर्गेनिज्म का जो डेड मटीरियल न्यूट्रोफिल से बाहर निकलता है तो साथ में वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो भी बाहर निकलती है। ठीक है, इन दोनों सूरतों में क्या होगा कि जो सराउंडिंग टिश्यू है उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज अगर फैल गई तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो सेल्स हैं, जो सराउंडिंग सेल्स हैं, उनमें भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा और जो है वो रेडिकल इंजरी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसको बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में ये मैकेनिज्म रखा है कि आपका जो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप कंसिस्ट ऑफ विस्कस मैशवर्क ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन दैट बाइंड्स एंड कॉन्सेंट्रेट ग्रैन्यूल प्रोटीन सच एज एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि ये न्यूक्लियस का या जो जो आपका जो इंफ्लेमेटरी जोन है जहां पे इंफ्लेमेशन हो रही है और जहां पे फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस चल रहा है वहां पे ये एक पूरा जो है ना मैशवर्क सा बन जाता है अराउंड और एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप बन जाता है। उसके अंदर जाके ये जो रिएक्टिव स्पीशीज या जो कुछ भी डेड सेल्स में से निकल रहा होता है वो वहीं जमा होता रहता है ताकि सराउंडिंग टिश्यूज को बचाया जा सके। क्लियर हुई है बात सिद्रा? ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल और है जो अब मैं ईमान इजाज का जो सवाल है वो मैं रन कर रही हूँ, उसका वो आप सुन लीजिए तो उसको फिर हम आंसर करते हैं। मैम सेकंड क्वेश्चन ये है कि आरएनए हमारे पास राइबोसोम और न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है तो फिर वो क्यों सिर्फ बेसोफिलिक रह जाता है, वो क्यों कन्वर्ट नहीं हो जाता? मैम थर्ड क्वेश्चन ये है कि पिकनोसिस में हमारे पास न्यूक्लियस श्रिंक हो जाता है लेकिन बेसोफिलिया कैसे, इसमें लिखा हुआ है न्यूक्लियस श्रिंक एंड इंक्रीज बेसोफिलिया, तो बेसोफिलिया कैसे इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियस तो श्रिंक हो रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आया मैम थर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन सुन लिया आप लोगों ने। अब मुझे ईमान एजाज, मुझे थोड़ा सा जो आपका जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था आरएनए वाला वो थोड़ा सा आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगी, मुझे एक्चुअली ये समझ में नहीं आया आपका सवाल। ईमान एजाज है ना? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम वो हैं ग्रुप में, ये हैं मौजूद भी हैं तो सुन क्यों नहीं रही? चलो मेरा ख्याल है कि उसको मीटिंग को ऑन करके कहीं निकल गई है। खैर, इसको हम वैसे हमारे पास इतना टाइम बचा नहीं है तो हम जरा सा स्पीड अप कर लेते हैं। इनका जो ये सवाल था जो मुझे समझ में आया वो ये कि जो आपका जो डीएनए है, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं बेसिकली वो बेसोफिलिक होते हैं। क्या मतलब है कि दे आर एसिडिक इन नेचर तो देयरफॉर दे विल टेक बेसिक डाई फॉर फॉर क्या कहना चाहिए आपका जो
स्टेन हो रहा होता है उस टाइम के लिए, ठीक है। तो अब जब ये स्टेन पकड़ते हैं तो ये पर्पल कलर का स्टेन पकड़ते हैं, ठीक है, जो आपका जो डीएनए है और जो आरएनए है वो। इनका जो सवाल था कि जी डीएनए और आरएनए दोनों जब बेसोफिलिक होते हैं तो वो ही क्यों रह जाता है, यानी शायद आरएनए क्यों कन्वर्ट नहीं होता। आरएनए कन्वर्ट होता है, लेकिन बेसिकली जो आपका जो उसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के अंदर अगर आरएनए मौजूद है और साथ में डीएनए भी मौजूद है, तो डीएनए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है आरएनए के मुकाबले में, तो वो बेसोफिलिक होगा तो डार्क कलर बाकायदा क्लियरली शो होगा। लेकिन साइटोप्लाज्म में आरएनए जो है वो बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ है जो कि बेसिक इन नेचर है और वो एसिडिक स्टेन उठाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बिल्कुल अल्ट्रा माइक्रो स्ट्रक्चर अगर वो बेसोफिलिक ले भी रहे तो वो कलर चेंज जो बेसिक जो मेन पिंक डाय उठाया जा रहा है ऑब्वियसली उसकी वजह से वो उसको नहीं उठा सकेगा। तो दैट इज द रीजन वाई साइटोप्लाज्म इज इयोसिनोफिलिक यानी पिंक कलर का स्टेन उठा रही होती है, क्योंकि जो मेजर प्रोटीन्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो क्या होते हैं एसिड बेसिक इन नेचर होते हैं तो एसिडिक डाई उठाते हैं, जबकि आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो एसिडिक इन नेचर है और वो बेसिक डाई उठा रहा होता है, तो इस वजह से वो पर्पल कलर का नजर आता है। दूसरी चीज इन्होंने ये पूछी कि क्या कहते हैं दूसरा सवाल क्या था, बल्कि तीसरा सवाल वो मैं दोबारा रन करती हूँ। क्वेश्चन ये है कि पिकनोसिस में हमारे पास न्यूक्लियस श्रिंक हो जाता है, लेकिन बेसोफिलिया कैसे, इसमें लिखा हुआ है न्यूक्लियस श्रिंक एंड इंक्रीज बेसोफिलिया, तो बेसोफिलिया कैसे इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियस तो श्रिंक हो रहा है ये। अच्छा ये जो सवाल है जो इन्होंने पूछा है कि जी न्यूक्लियस तो श्रिंक हो रहा है बेसोफिलिया बढ़ कैसे जाएगा, वो इस वजह से बढ़ता है कि देखिये आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, तो जब न्यूक्लियस श्रिंक होता है तो न्यूक्लियोप्लाज्म हट जाता है। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म में किसी किस्म का कोई स्टेन नहीं होता, बेसिकली आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो स्टेन उठा रहा होता है, तो जब न्यूक्लिक एसिड स्टेन उठा रहा है तो क्रोमैटिन एक जगह कंडेंस हो गया ना, तो जब एक चीज जो दूर दूर होती है वो लाइट कलर की होती है, जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं वो चीजें, तो वो क्या होता है कि वो बेसिकली डार्क कलर शो करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो छोटा हो जाता है साइज में। तो श्रिंकेज होने के नतीजे में जो न्यूक्लियस की श्रिंकेज हो रही होती है तो आपके जो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो सेपरेट हो जाता है, क्रोमैटिन एक दूसरे के करीब हो जाता है, तो कलर डार्क नजर आता है, यानी बेसोफिलिया इंक्रीज हो जाता है। जब वही न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है और कैरियोरेक्सिस हो जाता है या तो उस टाइम पे वो बेसोफिलिया खत्म इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो अब जो है वो एपोप्टोसिस के प्रोसेस से जो है वो पोर्शन जो है वो हटना शुरू हो रहा है, तो जैसे जैसे हटता जाएगा तो ऑब्वियसली स्टेन मटेरियल जब रिमूव हो जाएगा सेल में से तो वो नजर आना बंद हो जाएगा, तो इस वजह से उसका बेसोफिलिया कम होना शुरू हो जाता है। एम आई क्लियर? अब ये मोहतरमा मौजूद नहीं है और सवाल इन्हीं का था, आई डोंट नो अब उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को बाकी सबको समझ में आइए। मैम? यस मैम, मुझे लास्ट वाला समझ नहीं आया, पिग्नोसिस वाला समझ नहीं आया? नहीं मैम। क्या समझ नहीं आया बेटा, पूरी तफसील तो मैंने मैम ये समझ नहीं आया कि इंक्रीज कैसे हो रहा है। भाई वही तो मैं बता रही हूँ, आप कहानी सुनती नहीं हो, मौजूद ही नहीं थी आप। मैंने यही बताया कि अगर तो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड के साथ न्यूक्लियोप्लाज्म भी पड़ा हुआ है, जब पानी निकल जाएगा ड्रेन हो जाएगा तो पीछे जो कंटेंट कलरफुल कंटेंट रह जाएगा वो एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाएगा, तो जब कंडेंसेशन होती है तो कलर डार्क होगा या कम होगा, बताओ जरा, आप खुद बताओ मुझे। ईमान एजाज माइक ऑन, डार्क हो जाएगा, डार्क हो जाएगा ना, तो एग्जैक्टली इसी वजह से बेसोफिलिया बढ़ रहा है। अब समझ में आई बात? जी मैम। अच्छा, किसी और के पास कोई और क्वेश्चन है? मैम, एडहेरेंस में मैंने आपसे पूछा था ना, वो लिगेंड का, लाइगेंड का, तो उसी के एडिशन मॉलिक्यूल का आपने नहीं बताया था, तो वो एडिशन मॉलिक्यूल था लाइगेंड का ही होगा, तो वो दोनों सेम नहीं होंगे, वो 1 और 4 का जो आपने बताया था बेटा वो नहीं। मैं आपको, अच्छा उसकी बात कर रही हूं, आप एक मिनट है ना, तो मैं आपको देख के बताती हूँ, उसमें मैंने कुछ गड़बड़ की थी, टाइपिंग की। आप फिर से पूछो सवाल क्या है। मैम, जो एडिशन मॉलिक्यूल है वो लाइगेंड का ही है ना मॉलिक्यूल, तो जैसे लाइगेंड में VLA4 है, तो एडिशन मॉलिक्यूल में भी 1 की जगह 4 नहीं होगा, तो
तो वो दोनों नहीं बेसिकली नहीं, ऐसा नहीं है. VLA 4 है, वेरी लेट एंटीजन 4. बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है, जो नंबर्स दिए जा रहे होते हैं ना, ये डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, कि कौन से टाइम पे ये चीजें आइडेंटिफाई हुई है. अब ये जो अगर 4 है तो इसका मतलब इससे पहले 3 और प्रोटीन्स आइडेंटिफाई हुए होंगे, जो कि मतलब समझ में नहीं आए होंगे, उनका फंक्शन समझ नहीं आया होगा, इसलिए उनसे उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे. तो ये 4 वाले की क्या एक्शन समझ आ गया, तो इसलिए उसको 4 का नंबर दे दिया. ठीक है, लेकिन जो VCAM है वो 1 ही है, यानी वैस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल, वो पहली मर्तबा में आइडेंटिफाई हो गया था, उसका फंक्शन एस्टेब्लिश हो गया, इस वजह से ये वो 1 कहलाएगा. सही है जी? ठीक है, कोई और सवाल? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ. हाँ बोले मैम. इमान ने जो सवाल किया था ब्रेन टिश्यू से रिलेटेड, मैम इससे मैंने नेट की सर्फिंग की थी, उसमें मैम रीजन बता रहे थे कि बिकॉज ऑफ ब्रेन सेल्स में लाइसोसोम ज्यादा होते हैं. क्या ज्यादा होते हैं? लाइसोसोम. हाँ, तो लाइसोसोम्स इस वजह से ज्यादा होते हैं कि ब्रेन टिश्यू के अंदर जो है किसी भी किस्म की जो इन्फ्लेमेशन होती है वो बहुत खतरनाक हो सकती है. तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम ज्यादा रखे जाते हैं, कि अगर कोई छोटी सी भी चीज है तो उसके ऊपर ज्यादा एक्शन करके उसको खत्म किया जाए. हाँ, ये की रीजन ये भी हो सकता है कि लाइसोसोम्स के बर्स्ट होने के नतीजे में ब्रेन टिश्यू लिक्विफाई हो जाएगा, ऑटोफेजी के नतीजे हो सकता है. अच्छा, अब मुझे आपसे सिर्फ एक बात बता दो मुझे, कि अगर फॉर एग्जांपल और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं आपको दोबारा इनविटेशन ना दूं, या अगर सवाल है तो फिर मैं आपको इनविटेशन दूं, क्योंकि मीटिंग खत्म होने वाली है. कोई कुछ कहना सवाल है और? नो मैम. चलो ठीक है फिर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.